दोस्तों साल 1976 में सोवियत यूनियन ने अपने सैल्यूट 5 स्पेस स्टेशन पर सोयूज 21 नाम का एक मिशन भेजा था। इस मिशन के दौरान बोरिस वोल्योनोव और विटाली जोलोवोव नाम के दो सोवियत कॉस्मोनॉट को 66 दिनों तक स्पेस स्टेशन में रहना था, पर इसे 49 डेज में ही खत्म कर दिया गया और कॉस्मोनॉट्स को वापस से धरती पर बुला लिया गया। और इसका कारण था एक खतरनाक गैस जिसके स्मेल उन दो कॉस्मोनॉट्स को लगातार आ रही थी। वैज्ञानिकों को अनुमान था कि शायद स्पेसक्राफ्ट में कोई लीकेज हो गया है और वो गैस वहीं से रिलीज हो रही है, पर जब इसका इंस्पेक्शन किया गया तो यहाँ ना कोई लीकेज था और ना ही गैस और ना ही कोई स्मेल। इस इंसिडेंट के डीप साइकोलॉजिकल स्टडीज के बाद सामने आया कि ये कोई गैस नहीं था बल्कि यहाँ पर कारण था हेलुसिनेशन का। दोस्तों स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में इतने समय तक रहने का हमारी बॉडी पर बहुत गहरा असर पड़ता है और उसकी फंक्शनिंग पूरी तरह से बिगड़ जाती है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज आने वाले समय में इंसानों को चांद, मंगल और उससे भी आगे आउटर स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, पर रियलिटी में इंसानी बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन ही है जो आउटर स्पेस की कंडीशंस को सस्टेन करने के लिए नहीं बनाई गई है। एवोल्यूशन के इस चक्कर में हमने पृथ्वी पर ही रहना सीख लिया है और यही हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है। अब दोस्तों YouTube के मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको जितना भी चाहे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहते रहे, पर डीप स्पेस ट्रैवल कोई मजाक नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं जो हमें स्पेस ट्रैवल में आने वाली है। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर डीप स्पेस ट्रैवल क्यों पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आपने शायद ही कभी ये नोटिस किया होगा, पर हर दिन, हर घंटे और हर पल आपकी बॉडी पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता रहता है। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट ग्रेविटी नाम के इस डाउनवर्ड फोर्स के अट्रैक्शन में होता है। हम इंसानों के लिए ग्रेविटी एक फोर्स नहीं बल्कि एक ड्रग है। जी हाँ, लिटरली एक ड्रग है। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। वेल, जब आउटर स्पेस में हमें ये ड्रग नहीं मिलता तो इंसान का पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि जब ग्रेविटी नहीं होती तो हमारी बॉडी स्केलेटन को हमारे वेट और मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करना होता है, और इसके कारण हर महीने हमारी बोन्स की मिनरल डेंसिटी 1-2% कम होती जाती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर हम स्पेसक्राफ्ट से इंसानों को पृथ्वी से मार्स तक भेजेंगे तो इसमें करीब 7-8 महीने लग जाएंगे, और इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बोन्स की मिनरल डेंसिटी 14-16% तक डाउन हो चुकी होगी। अब ये बोन्स का कैल्शियम एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड में रिलीज हो जाएगा और किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म देगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, जब इंसानों की बोन्स पर पर्याप्त प्रेशर नहीं पड़ता और उन्हें वेट संभालना नहीं पड़ता तो वो वीक हो जाएगी। अब इस कंडीशन को डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। स्पेस से लौटने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स इसी कंडीशन के कारण पृथ्वी पर आकर कुछ समय के लिए ढंग से चल भी नहीं पाते। अब दोस्तों ग्रेविटी सिर्फ बोन्स को ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के ब्लड और दूसरे फ्लूइड्स पर भी कंट्रोल रखती है। अब बिना ग्रेविटी के ये फ्लूइड्स हमारी अपर बॉडी और ब्रेन में जमने लगेंगे और हमारी बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी। लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस के लिए हमें ग्रेविटी नाम के इस ड्रग को अपने साथ ले जाना ही होगा, और इसके लिए वैज्ञानिक कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप कर रहे हैं। ये मशीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट करती है। अब दोस्तों जब आप एक कर्व्ड रोड पर अपनी कार को तेजी से घुमाते हो तो वो चल तो रास्ते पर रही होती है, पर आपको हमेशा लगता है जैसे कोई उसे बाहर की ओर खींच रहा हो। इसी सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब स्पेसक्राफ्ट्स में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ग्रेविटी को दो तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। पहला है कि हम पूरे स्पेसक्राफ्ट को ही रोटेटिंग बना डालें, लेकिन ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे रोटेटिंग पार्ट्स होंगे जिनकी मेंटेनेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और यह लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस के लिए डेंजरस हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही एक मशीन इंस्टॉल करेंगे जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट करेगी। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स बारी बारी से इस मशीन के अंदर जाकर लेट जाएंगे और 30 मिनट्स तक आर्टिफिशियल ग्रेविटी का डोज ले लेंगे। अब इससे एस्ट्रोनॉट्स के मसल फंक्शन और बॉडी बैलेंस में तो इम्प्रूवमेंट होगा, पर बॉडी के कई ऑर्गन्स पर फिर भी बुरा असर पड़ने वाला है। नाउ फॉर लॉन्गर स्पेस ट्रेवल्स हमें इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस तो निकालना ही होगा। दोस्तों कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लगाया गया था तो हमें कई महीनों तक घर की चार दीवारी के अंदर रहना पड़ा था, और कई लोगों ने तो आइसोलेशन में भी दिन बिताए थे। अब दोस्तों स्पेस मिशंस के दौरान भी कुछ ऐसा ही होता है। इंसानों को एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट में लंबे समय तक रहना पड़ता है। अब इस दौरान वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ ही रहा करते हैं। अब चाहे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स का बिहेवियर उन्हें पसंद हो या नहीं, उन्हें एडजस्ट करके चलना पड़ता है।
एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई भी प्राइवेसी नहीं होती, और इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज यह है कि एक एस्ट्रोनॉट की जॉब में सरकारी नौकरी वाला कंफर्ट भी नहीं होता। ये एक बहुत ही हाई प्रेशर वाली जॉब होती है। ऐसे में दोस्तों इसका एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर्स का भी सामना करना पड़ता है। सोयूज 21 के क्रू के हेलुसिनेशंस का कारण भी यही आइसोलेशन और मेंटल डिसऑर्डर्स थे। अब दोस्तों कई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ऑरेंज क्लाउड्स और एलियंस जैसी चीजें देखने का दावा करते हैं, जिसका कारण यही आइसोलेशन होता है। साल 1973 में नासा के द्वारा भेजा गया स्काईलैब 4 मिशन इसका शानदार एग्जाम्पल है। अब इस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और पृथ्वी पर बैठे मिशन कंट्रोल क्रू के बीच कुछ बात पर बहस हो गई थी, और एस्ट्रोनॉट्स को इतना गुस्सा आया कि भाई उन्होंने कम्युनिकेशन पैनल ही बंद कर दिया। अब यहाँ उन्होंने पूरे एक दिन तक मिशन कंट्रोल से बात ही नहीं की थी। नासा के वैज्ञानिक सालों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइसोलेशन में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने में लगे हुए हैं। फ्यूचर स्पेस मिशंस में एआई के थ्रू एक ऐसा क्रू सिलेक्ट किया जाएगा जिसकी बॉन्डिंग आपस में बेस्ट होगी, जिससे कि स्पेस मिशन के थ्रू कम से कम प्रॉब्लम्स हो। अब दोस्तों आउटर स्पेस में एक ऐसी चीज भी होती है जो ना हमें दिखाई देती है और ना ही हम उसे फील कर पाते हैं, पर यह धीरे धीरे एस्ट्रोनॉट्स की जान ले सकती है। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेडिएशन की। दोस्तों हमारी डेली लाइफ में हम सूरज से आने वाली लाइट, रेडिएशन और माइक्रोवेव और स्मार्टफोन से निकलने वाली रेडिएशन से एक्सपोज्ड होते हैं। आपने सुना होगा कि इससे हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, पर आउटर स्पेस में ये खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि रेडिएशन भी दो टाइप्स की होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। हम अपनी डेली लाइफ में सिर्फ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का सामना कर रहे होते हैं, जो एक लो एनर्जी लो रिस्क रेडिएशन होती है। इवन हमारा सूरज भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को ही एमिट करता है, पर जब सूरज की रेडिएशन या सोलर फ्लेयर्स के दौरान रिलीज हुए सोलर मटेरियल पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड्स में फंस जाते हैं तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि एक हाई एनर्जी हाई रिस्क रेडिएशन होती है। इसके अलावा आउटर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का मेन सोर्स होती है। अब दोस्तों जब एस्ट्रोनॉट्स इस आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज्ड होते हैं तो उनकी बॉडी पर गहरा असर पड़ता है, उन्हें कैंसर होने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने लगते हैं और उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज पर भी असर पड़ता है। अब दोस्तों यहां एक और अंतरिक्ष फन फैक्ट, रेडिएशन की क्वांटिटी को मिली सीवर्ट्स में मेजर किया जाता है। पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी इंसान एक साल में 6.2 मिली सीवर्ट्स रेडिएशन को एक्सपीरियंस करता है, जबकि स्पेस में यह नंबर 4200 मिली सीवर्ट्स तक पहुंच जाता है। नासा और दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज ने एस्ट्रोनॉट्स को इस रेडिएशन से बचाने के लिए कई सारे तरीके अपनाए हैं, पर इसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साल तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को करीब 240 मिली सीवर्ट्स रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जब हम डीप स्पेस ट्रैवल मिशंस के लिए तैयार हो रहे होंगे तो हम सूरज और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से क्रिएट होने वाली आयोनाइजिंग रेडिएशन से तो बच जाने वाले हैं, पर कॉस्मिक रेज हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कॉस्मिक रेज सबसे एनर्जेटिक रेडिएशन होती है, जो इंसानों की बनी बॉडी तो क्या, खुद मेटल से बने स्पेस क्राफ्ट को भी डैमेज कर सकती है। साइंटिफिक स्टडी में यह सामने आया है कि अगर हमें एस्ट्रोनॉट्स को इस कॉस्मिक रेडिएशन से बचाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। अब पहला, या तो हम स्पेसक्राफ्ट को इतना थिक बना दे कि रेडिएशन के पार्टिकल्स इसकी वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर ही ना आ पाए, या फिर दूसरा कि हम एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसे स्पेस सूट्स बनाए जो कि कॉस्मिक रेज को रोक सके। अब पहले वाले ऑप्शन से स्पेसक्राफ्ट का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर इसके लिए हमें उससे भी ज्यादा फ्यूल का इंतजाम करना होगा, जो लॉन्गर मिशंस के लिए इम्पॉसिबल होगा। साल 2024 या 2025 में नासा मून पर अपना मैंड मिशन भेजने वाली है, जिसके लिए वो रेडिएशन प्रूफ स्पेस सूट्स बनाने में लगे हुए हैं, पर ये स्पेस सूट भी सिर्फ सूरज के कारण प्रोड्यूस होने वाले आयोनाइजिंग रेडिएशन से बचा पाएगा, कॉस्मिक रेज की गारंटी ये भी नहीं ले सकता। अब दोस्तों यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग सरफेस पर भी वर्क कर रहे हैं। ये एक ऐसी एक्टिव शील्ड होगी जिसकी सरफेस पर लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दौड़ती रहेंगी और ये आउटर स्पेस से आने
वाली कॉस्मिक रेज को डिफ्लेक्ट कर देगी। पर इसके लिए स्पेसक्राफ्ट में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को इंस्टॉल करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होती है और इनको लगातार रन करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की डिमांड होती है। लेकिन क्या शील्डिंग है रेडिएशन से बचाने का एकमात्र तरीका है? वेल दोस्तों, वैज्ञानिक इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इंसानों को ही इस तरह से चेंज कर दे कि उन पर रेडिएशन का कुछ खास असर ना पड़े, तो हमें इससे बचने के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की नीड ही नहीं होगी, है कि नहीं? और इसके लिए वैज्ञानिक टार्डीग्रेड के डीएनए का सहारा ले रहे हैं। लैब में की गई रिसर्च से सामने आया है कि अगर इंसानों के डीएनए में टार्डीग्रेड के डीएनए प्रोटीन्स इंजेक्ट कर दिए जाए तो रेडिएशन के डेंजर्स 40% तक कम हो सकते हैं। लगातार होती साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के अपने प्रॉब्लम्स को तेजी से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर सर्वाइव करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड एस्ट्रोनॉट्स बनाना अभी आपको कोई साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा होगा, पर बिलीव मी, ये नियर फ्यूचर में ही होने वाला है और हम इंसान आने वाले दशकों में मार्स से भी कहीं आगे जाने वाले हैं। बस जरूरत है कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस की और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की, जो हम इंसानों में हमेशा से ही रही है। सो डीप स्पेस ट्रैवल्स के लिए अपना बैकपैक तैयार करके रखना, क्या पता कब हम इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर रहने के लिए निकल पड़े। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना। दोस्तों, मुझे ये बताओ कि इंटरस्टेलर मूवी में जो लीड कैरेक्टर्स है वो कौन से ब्लैक होल के पास जाते हैं, उस ब्लैक होल का नाम क्या है, मुझे नीचे कमेंट बताओ। देखते हैं किस किस ने इंटरस्टेलर मूवी को देखी है। तो आज के बस इतना ही। अगर आप नए चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।